स्वागत है मेरे चैनल में द यूनिक स्टडी पाठशाला में। दोस्तों आज हम देखेंगे जो एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं, जीके के जितने बार क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे दोस्तों, वन बाय वन और विद एक्सप्लेन के साथ दोस्तों। एंड जितने बार शिफ्ट आई हैं, ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्टों को कराऊंगा मैं और विद एक्सप्लेन के साथ। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ब्रह्मो समाज की स्थापना, किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी दोस्तों वो किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आप देख सकते हो ये राजा राम मोहन रॉय ने दोस्तों ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप देख सकते हो ये चार जो ऑप्शन हैं उनके बारे में जानेंगे हमको जानना है कि किसने किसकी स्थापना की थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों बहिष्कृत हितकरणी करनी बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों याद रखना है तुमको, बिल्कुल रिपीटेड होंगे क्वेश्चन ये, जो अब कोई वैकेंसी आई है उनके बारे में आप जान सकते हो। 40,000 की अगर भी वैकेंसी है, 40 से ऊपर उसकी क्लास है ये। और इसे जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, विद एक्सप्लेन के साथ। बैलून मठ स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों, बैलून मठ की स्थापना की थी। बैलून मठ आपको ये लिखना है अपनी नोटबुक है उसमें, बैलून मठ। और दोस्तों यही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, हिमालय की सबसे दोस्तों हिमालय की ये श्रृंखला है तीन, ये बृहत हिमालय ठीक है दोस्तों, और ये मध्य हिमालय है, और दोस्तों ये शिवालिक हिमालय है ये। तो सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक, मध्य होता है ये। आप इसमें देख सकते हो आपके पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट 8,848, किसी किसी में 50 भी दे रखा है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कंचनजंगा, नहीं K2 गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भारत की। अगर यही पूछे कि भारत में स्थित कंचनजंगा इस तरीके से। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है, उनका नाम है दीपा कर्माकर, ये जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं दीपा कर्माकर, और ओलंपिक में चौथ में जो चतुर्थ स्थान है उस पर रही थी ये। दोस्तों इसके बारे में देखना है जो साक्षी मलिक कौन है दोस्तों, ये एक रेसलर हैं जो कुश्ती लड़ती हैं, रेसलर याद रखना है, रेसलर हैं साक्षी मलिक दोस्तों। और जो हेमा दास हैं दोस्तों ये एथलेटिक करती हैं, धावक हैं, कौन है धावक, एथलेटिक करती हैं हेमा दास। और सीमा पूनिया दोस्तों यह भी डिस्क थ्रोअर हैं, जो डिस्कस थ्रोअर गेम होता है, डिस्कस थ्रोअर याद रखना दोस्तों। भारत के कौन है मशहूर सेनाई वादक दोस्तों, बिस्मिल्ला खां, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जामों में। और भारत के प्रसिद्ध जो सितार वादक हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है सितार वादक रविशंकर,
याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सितार वादक और हरि प्रसाद दोस्तों बांसुरी वादक हैं। हरि प्रसाद बांसुरी बांसुरी वादक हैं। और लतीफ खान कौन है दोस्तों? सारंगी वादक, सारंगी वादक। ये सभी याद रखने हैं आपको। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, शशि थरूर। ये दोस्तों राइटर हैं बहुत अच्छे, और इनकी पुस्तक हैं वो ज़रूर आती हैं। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, और इनकी पुस्तक हैं एन एरा ऑफ एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ओके दोस्तों, और एक और पुस्तक है इनकी, मैं हिंदू क्यों हूँ, बाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। याद रखनी है दोस्तों ये दो दोनों पुस्तक, कई बार एग्जाम में आई हुई हैं। और दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह की उनकी पुस्तक है टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नेशन, टू द नेशन फॉर द नेशन, फॉर द नेशन। याद रखना दोस्तों टू द नेशन फॉर द नेशन। और इसके बाद दोस्तों यही है इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज दोस्तों कॉपरनिकस, ग्रहों का जो नियम है वो कॉपरनिकस ने दिया था दोस्तों, याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और न्यूटन ने क्या दिया था दोस्तों? न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, जो तीन गति के नियम हैं वो न्यूटन ने दिए थे दोस्तों, थ्री गति के नियम हैं। एक तो क्रिया प्रतिक्रिया है, एवरी एक्शन टू अपोजिट रिएक्शन, और ये तीनों नियम आपको याद रखने दोस्तों। और इसमें एक एक दिया था न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम याद रखना है, पूछा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण ये दिया था दोस्तों न्यूटन ने। आगे देखते हैं, वास्को डी गामा दोस्तों जान सकते हो, भारत ने भारत की खोज की थी 1498 में, याद रखना है। जितने भी बार क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों उन्हें एक्सप्लेन करूँगा, और विद प्रीवियस ईयर के साथ बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों मैं हार्ड वर्किंग करके ये पीडीएफ बना के लाता हूँ। और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लगे आपको। प्लासिका कौन से वर्ष लड़ा गया था? प्लासिका युद्ध दोस्तों 1757 में लड़ा गया था दोस्तों, 23 जून 1757, याद रखना है 23 जून 1757 को प्लासिका युद्ध लड़ा गया था। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में दोस्तों ये लड़ा गया था, जहाँ प्लासी है मुर्शिदाबाद के दक्षिण में कुछ किलोमीटर जाके प्लासी पड़ती है, वहाँ लड़ा गया था ये युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला, याद रखना है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, पूछा जाता है रॉबर्ट क्लाइव और प्लस नवाब सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला नहीं है दोस्तों सिराजुद्दौला, याद रखना है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें, सिराजुद्दौला इस तरीके से। ओके, 1857 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था, 22 अक्टूबर 1857 को, इसके भी लिख लेते हैं 22 अक्टूबर 1857, याद रखना है दोस्तों। ये किसके बीच, हेक्टर मुंडो, इसमें थे हेक्टर मुंडो, और एक तरफ तो अंग्रेजी की तरफ थे हेक्टर मुनरो, और दोस्तों ओरली बोल देता हूँ,
उसमें इसमें थे मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला थे दोस्तों, नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय। याद रखना तीन एक तरफ थे और एक तरफ थे अंग्रेज तरफ से हेक्टर मुंडो। दो हजार अठारह में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी, वो दोस्तों न्यूटन थी। आपको याद रखना है 2018 में 90वें फिल्म जो ऑस्कर अवार्ड हुए थे उसमें भेजी गई थी न्यूटन फिल्म। और मदर इंडिया दोस्तों, मदर इंडिया 1958 में भेजी गई भारत की पहली फिल्म थी जो ऑस्कर में भेजी गई थी दोस्तों, याद रखना है। सलाम बॉम्बे, और इसको ये भी याद रखना है जो जो टॉप फाइव होती हैं उसमें मदर इंडिया को रखा गया था दोस्तों। सलाम बॉम्बे, सलाम बॉम्बे और मदर इंडिया, याद रखना है। सलाम बॉम्बे दोस्तों दूसरी मूवी थी और इसको 1989 में इसे भेजा गया था ऑस्कर में दोस्तों। और जो पिछले वर्ष गीत गई है दोस्तों ब्लेज रॉक स्टार, कौन सी है याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, ब्लेज रॉक स्टार, रॉक स्टार। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। भारतीय संगीतकार ने एकादमी पुरस्कार जीता है, ए आर रहमान ने दोस्तों, ए आर रहमान ये व्यक्ति हैं, इन्होंने एकादमी पुरस्कार जीता है दोस्तों, याद रखना है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं, उसे क्लोनिंग कहते हैं दोस्तों। आनुवंशिक रूप से ये याद रखना है दोस्तों, आनुवंशिक रूप से प्रजनन, प्रजनन वो होता है दोस्तों जो दो व्यक्तियों के मिलने से या वृक्षों द्वारा जो प्रजनन होता है ये आनुवंशिक, आनुवंशिक दूध जो व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं उसे क्लोनिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए थे, समान प्रजनन तो दोस्तों अपनी पीढ़ियों को बढ़ाने की प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस दोस्तों, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को जो प्रकाश ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों। और CO2 को लिया जाता है, उसके बाद इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है दोस्तों, ऑक्सीजन O2 रिलीज होती है, यही है दोस्तों। और स्कैनिंग तो आप जान सकते हो, किसी चीज़ को स्कैन करना कोई प्रोडक्ट होता है। रबी फसलों में की बुवाई की जाती है, रबी फसलों की दोस्तों अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी में जान सकते हो गेहूं आता है, गेहूं लाहा जो लाही कहते हैं, गेहूं लाहा और धान, गेहूं लाहा धान चना ये दोस्तों सभी जो अक्टूबर नवंबर में जिसे रबी फसल कहते हैं उसमें आते हैं। खरीफ फसल दोस्तों जून और जुलाई में, याद रखना है खरीफ फसल जून जुलाई में, ओके दोस्तों। और गर्मा फसल होती है, वो गर्मा फसल होती है मई जून में दोस्तों, गर्मा फसल मई जून में होती है दोस्तों। चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है चुनाव आयोग का प्रमुख। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है पीएम की दोस्तों, याद रखना है। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति की जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति है। और उसके बाद जो राज्यपाल की नियुक्ति यही करते हैं, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं
राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको। ये शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय याद रखना है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो लोकतंत्र है उसमें सत्तारूढ़ दल होता है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, ना कि विपक्ष के प्रति। और जो जो प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में ऑप्शन में दोगे आप नीचे, मुझे कमेंट में बताओगे किसके प्रति उत्तरदायी होती है जो पीएम की कैबिनेट होती है वो। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है दोस्तों? देख सकते हो ये तो बहुत नॉर्मल है, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्र वाहिनी, वोंक्रिया, वोंकाई, वोंकाई दोस्तों ये अलग है इसमें। मनुष्य वनस्पति और जीव जंतु मत्स्य पशुधन आदि जलमंडल में प्राप्त संसाधन जिनमें जीव जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसमें मनुष्य जीव जंतु वो जैव संसाधन कहा जाता है दोस्तों उन्हें, क्या कहा जाता है? जैव संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? नवीनीकरणीय संसाधन उन्हें कहा जाता है जैसे सौर ऊर्जा, जिन्हें कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो गोबर गैस, वायु वायु कहते हैं, वायो गैस, इन्हें नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। संभावित संसाधन, संभावित संसाधन उन्हें कहते हैं दोस्तों जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं पर पॉसिबिलिटी है आगे यूज किया जाए, उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। अजैविक क्या होता है दोस्तों? मृदा, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, ये हैं अजैविक संसाधन। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष दोस्तों बाल वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। और इसमें बाल गंगाधर तिलक, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। चाचा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अद्र नंग फकीर मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है दोस्तों? चुनाव का निरीक्षण है, प्रत्यक्ष चुनाव है, चुनाव का स्वचालन और नियंत्रण करना, पर स्थानीय चुनाव न करना, ये चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, न करना, करना है पर न करना। पौधे में जल परिवहन होता है, जल परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों, फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा दोस्तों, खनिज, खनिज परिवहन होता है, खनिज। किस तरीके से याद कर सकते हो? जल, जाइलम से जल, इस तरीके से जाइलम से जल, और फ्लोएम खनिज उत्पादन से, इस तरीके से याद करना है दोस्तों। ये का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार अवसर पैदा करना है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा दोस्तों स्वरोजगार का अवसर पैदा करना होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी संबंध है दोस्तों, जो महिलाओं के लिए एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में बांटे थे वो इसी की तर्ज पर है। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेनदेन नहीं है? नगद, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों नगद लेनदेन, ये तो डिजिटल है ही नहीं, पेटीएम है, एटीएम लेनदेन है, क्रेडिट कार्ड लेनदेन है,
स्वर्ण का आण्विक सूत्र क्या है? स्वर्ण को कहते हैं दोस्तों सोने, गोल्ड को क्या कहा जाता है? एयू। गोल्ड को एयू कहा जाता है। एजी को कहा जाता है चांदी दोस्तों, चांदी को एजी कहते हैं। एल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को एल कहते हैं, ये याद रखना है दोस्तों आपको। निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? टंका दोस्तों, टांका है जो मिश्रित धातु नहीं है, पीतल भी है, कांसा और चांदी, ये तीनों मिश्रित धातु हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? वो है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? किशन लाल, उनका नाम है किशन लाल, जो 1948 में गेम हुए थे स्वर्ण पदक, पहली बार जो भारत ने हिस्सा लिया था इसमें, उसमें किशन लाल ने स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों खरीफ जो मनप्रीत सिंह कौन है दोस्तों? वर्तमान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है दोस्तों, याद रखना है मनप्रीत सिंह। बस दोस्तों इतने ही थे जीके क्वेश्चन, और शिफ्ट है ये, जो इतनी भी शिफ्ट हैं पूरी तरह से कराऊंगा मैं। कमेंट करना, शेयर एंड लाइक करना दोस्तों।